हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से तीन अपडेट है। पहला, विपक्षी दलों ने भारत सरकार से भारत और चीन के दरमियान इंटरनेशनल फ्लाइट को बैन करने की मांग की थी, उस पर अब सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है। दूसरा, बूस्टर डोज को लेकर क्या अपडेट है। इसके अलावा भारत से सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई फ्लाइट को लेकर COVID-19 के नए वेरिएंट BF.7 के बाद अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, ताज़ा स्थिति क्या है, वो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी, खास तौर पर फ्लाइट, वीज़ा स्टाम्पिंग, इमिग्रेशन, इंडियन पासपोर्ट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी मिलती रहे। हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो COVID-19 के नए वेरियंट BF.7 के बाद नई स्थिति उत्पन्न हो गई है कि तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए फ्लाइट पाबंदी की भी मांग उठने लगी है, खासतौर पर भारत और चाइना के दरमियान। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, इसके अलावा कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मोदी सरकार से, भारत सरकार से भारत और चीन के दरमियान इंटरनेशनल फ्लाइट को बैन करने की मांग की थी, जिसके बाद सरकारी सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि भारत और चीन के दरमियान कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट संचालित नहीं हो रही है। जो भी फ्लाइटें संचालित हो रही हैं वो वाया रूट से संचालित हो रही हैं। जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो वाया सिंगापुर, वाया मलेशिया या वाया श्रीलंका या वाया अन्य रूट से भारत आ रहे हैं या भारत से जा रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइटों का संचालन नहीं हो रहा। तो अभी जो फ्लाइटें संचालित हो रही हैं वाया रूट से, उनको बंद करने का अभी कोई भी प्लान गवर्नमेंट का नहीं है। तो ये सरकारी सूत्रों की तरफ से बताया गया है भारत और चीन फ्लाइट को लेकर। अब दोस्तों, एक बूस्टर डोज को लेकर बात कर लेते हैं। बूस्टर डोज को लेकर भी बहुत तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं कि बूस्टर डोज ज़रूरी है, बिना बूस्टर डोज के आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो। इस तरह के मैसेज लगातार फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि बूस्टर डोज को लेकर अभी तक एयरलाइंस की तरफ से ना कोई एडवाइजरी जारी की गई है और ना ही गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है कि विदाउट बूस्टर डोज आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है कि विदाउट बूस्टर डोज आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे। अभी तक ना तो एयरलाइंस की तरफ से और ना ही गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस तरह का रूल्स बनाया गया है कि विदाउट बूस्टर डोज आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया बूस्टर डोज को लेकर। हालांकि इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए भारत सरकार ने कुछ ट्रेवल गाइडलाइन को जारी किया है, जो आज 24 दिसंबर से लागू हो रहा है, जिसमें रैंडम टेस्ट होगा एयरपोर्ट पर। इसके अलावा अगर कोई लक्षण पाए जाते हैं तो आइसोलेट किया जाएगा, या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, मास्क को लेकर, इस तरह की तमाम एडवाइजरी जारी की गई है जो आज 24 दिसंबर से लागू हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जो और इस खबरें चल रही है, लोग काफ़ी सारे एक दूसरे से इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या फ़्लाइटें बंद हो जाएंगी, फ़्लाइटें बैन हो जाएंगी। खासतौर पर जो सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई, खासतौर पर गल्फ़ देशों में ट्रोल करते हैं, वो ऐसे सवाल लगातार कर रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, इस तरह का प्रतिबंध लगने का कोई भी चांस अभी बिल्कुल भी नहीं है। जो फ़्लाइटें संचालित हो रही हैं भारत सऊदी के दरमियान या दुबई के दरमियान या कुवैत के लिए या बहरीन के लिए, ओमान के लिए, कतर के लिए, कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी भी तरह से परेशान होने की, टेंशन लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है।